हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रोशन और आज हम ये मूली का पराठा बनाएंगे। ये मूली को हमने छील लिया है और इसको धो लिया अच्छी तरह से और इसको कद्दूकस करेंगे। अभी ठंडी के मौसम में मूली बहुत मिल रहा तो हम मार्केट से लाए हाफ के जी। अब इसको हम इस तरह कद्दूकस कर देंगे। इस तरह से मैं सब मूली को इसी तरह से इसी से कद्दूकस कर लूँगी, फिर आपको दिखाती हूँ। ये सारे मूली को हमने कद्दूकस कर लिया है। अब हम कढ़ाई चढ़ा रहे हैं इसको बनाने के लिए। कढ़ाई हमने चढ़ा दिया है और सरसों ऑयल को डाला है। ये गर्म हो गया है। अब हम इसमें जीरा डालते हैं, हाफ टी स्पून। चटकने देते हैं। दो हरी मिर्च को हमने काटा है, इसको डाल रहे हैं। और एक प्याज हमने काटा है, इसको भी डाल दे रहे हैं। और इसको ब्राउन होने तक हम भूनेंगे। ये ब्राउन होने लगा है, अब इसमें हम थोड़ा सा हल्दी डालेंगे, हाफ टी स्पून। इसमें हल्दी भुन जाएगा, हल्दी का कच्चापन खत्म हो जाएगा। अब हम इसमें कद्दूकस किया हुआ मूली को डालते हैं, चला देते हैं। अब इसमें हम जीरा और काली मिर्च का पाउडर एक टीस्पून डालेंगे और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। हमने एक टीस्पून डाला है इसमें। ये मूली पानी जैसा रहता है तो ये पकेगा, ये बहुत कम हो जाएगा। ऐसे अभी फुला फुला लग रहा, भरा भरा। तो इसको हम ढक देते हैं और पकने देते हैं इसको। ये देख सकते हैं इसमें पानी हल्का छोड़ा है। फ्लेम को मीडियम रखेंगे और ये पक भी जाएगा, इसका पानी भी सूख जाएगा। ये पानी सूख गया है। अब हम इसमें धनिया पत्ता थोड़ा सा डाल लेते हैं, कट करते हैं। काट कर हम डाल रहे हैं। आप इसको पूरा पानी सुखा लीजिए इसमें से, नहीं तो फिर पराठे अच्छे नहीं बनेंगे। इसलिए मीडियम फ्लेम या लो फ्लेम पे ऐसे करके इसको अच्छी तरह से पूरा पानी सुखा लीजिए। ये पक जाएगा ऐसे भी। ये हम मिक्स कर देते हैं। तो गैस को हम बंद कर देते हैं। हाफ के जी आटा में हाफ टी स्पून अजवाइन डाला है हमने। इसमें नमक थोड़ा सा ऐड कर रहे हैं और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये मूली के पराठे के लिए हम ये आटा लगा रहे हैं। थोड़ा थोड़ा पानी हम इसमें ऐड करेंगे। अजवाइन इसलिए डाला जाता है क्योंकि जिनको गैस की प्रॉब्लम हो जाती है ऑयली चीज़ खाने से, तो अजवाइन डालकर आप पराठे में खाएं तो गैस नहीं बनेगा। तो हम थोड़ा थोड़ा पानी मिला करके हम जल्दी से ऐड कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए स्किप करते हैं, आगे दिखाते हैं। आटा हमने गूंध लिया है, देख सकते हैं। और ये मूली को हमने निकाल लिया है, ये ठंडा भी हो गया है। तो अब हम ज़्यादा देर नहीं आटा छोड़ेंगे क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम है, जल्दी में हमको बनाना है। इसलिए हम 5 मिनट में ही हम इसको बनाना शुरू कर रहे हैं। तो ये हमने एक छोटा सा बॉल मैं बना रही हूँ ये पराठे के लिए।
मैं इस तरह से मैं बेलूंगी। ऐसे रोटी से थोड़ा बड़ा लें क्योंकि इसमें हमको भरना है, इसलिए थोड़ा बड़ा ही चाहिए। इसमें हम एक चम्मच इस तरह से भर दे रहे हैं। इस तरह से बंद कर दें। आप इसको चकले पर बेल सकते हैं, लेकिन मैं ये स्लैब पर ही मैं बेल रही हूँ। इस तरह गोल गोल मैं बेल लेती हूँ। ये थोड़ा मोटा ही बनता है, ज़्यादा पतला करेंगे तो ये फटने लगेगा। अब मैं इसको सेकती हूँ, सेक कर दिखाती हूँ, और ऐसे ही मैं बेलते जाऊँगी, सेकते जाऊँगी। तवा गर्म हो गया है, अब हम रोटी डालते हैं। पराठा एक तरफ सिक गया, अब इसको पलट रहे हैं। ये दूसरे तरफ भी सिक गया है, अब हम इस पर ऊपर से ऑयल लगाएंगे और फिर पलट कर दोनों तरफ से ऑयल लगाएंगे। ये देखिए हमारा पराठा तैयार है, कितना अच्छा बना है। ये बिल्कुल फूला फूला है, खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है ये मूली के पराठे। तो अब इसी तरह से और हम बना लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये दूसरा पराठा हमने डाला है, अब इसको मैं जल्दी जल्दी पलट कर मैं आपको दिखा, देखिए सिक गया है। अब मैं इसमें तेल लगा करके पलट कर निकाल देती हूँ। तो ये हमारे मूली के पराठे तैयार हैं, आप भी इसी तरह से बनाइए, बहुत अच्छी लगती है, टेस्टी भी है और हेल्दी भी है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी है, ठंडी का मौसम और गरम गरम मूली के पराठे बहुत ही अच्छी लगती है। ये बच्चे बड़े सभी लोग पसंद करते हैं, देखिए कितनी अच्छी बनी है। तो उम्मीद है आपको हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, और जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अब हमें दीजिए इजाज़त, अस्सलाम वालेकुम।